अचनेरा थाना अंतर्गत एक गांव की किशोरी 1 जनवरी को सुबह 7:30 बजे अपने घर से गांव के बाहर बने बाड़े पर जा रही थी। रास्ते में स्थित एक धर्मशाला पर घात लगाकर बैठे कन्हैया निवासी कीठम, योगेश निवासी पिपरोठा तथा इनका एक अन्य साथी किशोरी के मुंह पर कपड़ा डालकर सरसों के खेत में ले गए, जहां तीनों ने बारी बारी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मुंह पर कपड़ा डालकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। इधर परिवार के लोग किशोरी को चारों ओर ढूंढ रहे थे, 2 जनवरी को थाने आकर भी सूचना दे दी। जनवरी की शाम 4 बजे किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंची। तब उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार उसके साथ हैवानियत की गई। वो कन्हैया उठाए में ना हो, वो तो खेत में ले जाएगा, दूसरी नादे का है, मैं कन्हैया आएगा यहाँ से 2 जने पकड़ के ले गया। एक जानते ना क्या गलत काम भी किया बेटी के साथ में? हाँ किया, गलत काम किया। अच्छा, इसके साथ में मारपीट भी की है? पजार दी है, सवारी जला दी है, जला दी है, तन पे कपड़ा सारे नंगी कर दी, दिल्ली पे बिना कपड़ा ने जब सवेरे आ गई सर में भाई बाप के डर के भाई करके ना कि बात करी ना वहां में थी। कहिए मैं एफ आई आर करूँ सवेरे। तो लड़की अतिका हमें फिर 3 बजे उसी जगह मिल गई, उसी मंदिर से जहाँ से उठाई है वहीं। तो लड़की ने क्या बताया? लड़की ने नाम बताए नहीं, लड़की ने आपको क्या बताया वो बता दीजिए। लड़की ने ये बताया हमको कि मुझे यहाँ से उठा ले गए, सॉल में लपेड़ के मुँह पर कपड़ा डाल के, और फिर वो ना पता भी कहाँ ले गए तक वो, और सवेरे में यहाँ वो फिर छोड़ गए उसी जगह, और हाथ पाँव जलाए छोरी के, जी हाथ जल रहे, जी कोट जी बाएँ जल रही है, ये बताया। और जी कहिएगा अगर तेने घर कह दी तो नाम बता दो, हम तो जान दे मार देंगे तेरे परिवार से, ये धमकी दी। जलाया क्यों पता नहीं सर, हमें क्या बताया। थाना अचनेरा पर आज जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद मेडिकल और एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई इस समय तेजी से चल रही है। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, परिवार वालों से बात हो गई, जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको एस्टैब्लिश करेंगे, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किशोरी ने बताया कि दुष्कर्म के बाद उसके कपड़े भी जला दिए गए तथा उसे भी जलाने का प्रयास किया गया। किशोरी के होश में आने पर परिजन थाने लेकर पहुंचे, उन्होंने थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस घटनास्थल का मुआयना करने गई। वहीं पीड़ित किशोरी के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए महिला पुलिस के साथ हॉस्पिटल भेजा गया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।